गाइस, ये तो आप जानते ही हैं, पेड़ हमें ऑक्सीजन देते हैं जिसके कारण हमारा अस्तित्व संभव हुआ है। अगर पेड़ ना हो तो ऑक्सीजन नहीं होगी और हमारा जीवन असंभव नहीं होगा। लेकिन कुछ पेड़ ऐसे भी हैं जो खतरनाक होते हैं। आज हम इस वीडियो में ऐसे ही पेड़ों के बारे में बताएंगे। मैशिनील ट्री। मैशिनील ट्री को दुनिया का सबसे डेंजरस ट्री कहा जाता है। फ्लोरिडा और कैरिबियन तट पर पाए जाने वाले इस पेड़ के तने से निकलने वाला रस इतना जहरीला होता है कि इंसानों के स्किन से कॉन्टैक्ट होने पर छाले पड़ जाते हैं। पेड़ के सेब जैसे फल का एक टुकड़ा खाने पर भी इंसान की मौत हो सकती है। अगर इस पेड़ का रस किसी की आंखों तक पहुंच जाए तो वह शख्स अंधा हो सकता है। इतना ही नहीं, पेड़ की लकड़ियों को जलाने पर निकलने वाला धुआं भी अगर आंखों तक पहुंच जाए तो आंखों की रोशनी जा सकती है। बारिश में भी इस पेड़ के नीचे खड़े रहने से स्किन को नुकसान पहुंच सकता है। निकोला एच स्टिगलैंड नाम के साइंटिस्ट ने बताया है कि एक बार वे और उनके कुछ दोस्तों ने तोबैको के कैरेबियन आइलैंड के बीच पर इस फल को खा लिया था जो बेहद ही कड़वा था। निकोला ने कहा कि फल खाने के कुछ देर बाद ही उन्हें जलन होने लगी और शरीर में सूजन आ गई। हालांकि तुरंत इलाज की वजह से वे ठीक हो गए। उनके मुताबिक यदि किसी ने इसके सेब जैसे दिखने वाले फल को खाया तो उसकी मौत भी हो सकती है। इस कारण से पेड़ के आसपास चेतावनी वाले बोर्ड भी लगे हैं। मैशिनील के पेड़ की ऊंचाई लगभग 50 फीट तक होती है। सुसाइड ट्री। सर्बेरा ओडोलम नाम का यह पौधा दिखने में बहुत ही सुंदर और आकर्षक है, लेकिन यह कितना जानलेवा है इसका अंदाज़ा आपको नहीं है। भारत सहित दक्षिण पूर्व एशिया के कुछ अन्य देशों में पाया जाने वाला सर्बेरा ओडोलम पौधा इतना जहरीला है कि कई बार इसका उपयोग जान लेने के लिए होता है। ऐसा माना जाता है कि हर हफ्ते इस पौधे से कम एक व्यक्ति की मौत होती है। शोधकर्ताओं के मुताबिक विश्व में अन्य जहरीले पौधों के मुकाबले सर्बेरा ओडोलम अधिक जहरीला है। सर्बेरा ओडोलम के बीज में सर्बेरिन नामक तत्व पाया जाता है जो विषैला होता है। इसकी कम मात्रा भी शरीर के अंदर चली जाए तो कुछ मिनटों में ही पेट और सिरदर्द, उल्टियां, अनियमित धड़कन, डायरिया जैसी समस्याएं शुरू हो जाती हैं। फिर यह एंजाइम्स और हृदय की कार्यप्रणाली को प्रभावित करता है और कुछ घंटों के अंदर ही इंसान की मृत्यु हो जाती है। यह काफ़ी हद तक वैसे ही काम करता है जैसे जहरीले इंजेक्शन से मौत की प्रक्रिया होती है। भारत में इसे सुसाइड पेड़ के नाम से भी जाना जाता है। सैंडबॉक्स ट्री। दुनिया के सबसे खतरनाक पौधों में से एक माना जाता है। सैंडबॉक्स का एक पेड़ घरेलू परिदृश्य या वास्तव में किसी भी परिदृश्य के लिए उपयुक्त नहीं है। कहा जाता है यह एक दिलचस्प पौधा है और जो समझने योग्य है। सैंडबॉक्स ट्री अपने मूल वातावरण में 90 से 130 फीट लंबा होता है। शंकु के आकार की स्पाइक से ढकी हुई धूसर छाल से आप पेड़ को आसानी से पहचान सकते हैं। पेड़ में अलग अलग नर और मादा फूल होते हैं। एक बार निषेचित होने के बाद मादा फूल सैंडबॉक्स के पेड़ के फटने वाले बीजों वाली फली पैदा करते हैं। इस पेड़ के फल छोटे कद्दू की तरह दिखते हैं, लेकिन एक बार जब वे बीज कैप्सूल में सूख जाते हैं तो वे टाइम बम बन जाते हैं। जब वे पूरी तरह से परिपक्व हो जाते हैं तो वे जोरदार धमाका करते हैं और अपने कठोर चपटे बीजों को 130 मील प्रति घंटे की गति और 60 फीट से अधिक दूरी पर फेंकते हैं। छर्रे अपने रास्ते में आने वाले किसी भी व्यक्ति या जानवर को गंभीर रूप से घायल कर सकते हैं। सैंडबॉक्स का पेड़ मुख्य रूप से दक्षिण अमेरिका के उष्णकटिबंधीय भागों और अमेजोनियन वर्षा वनों में पाए जाते हैं। मिल्की मैंग्रोव ट्री। इनकी लंबाई 15 मीटर तक होती है जो भूरे रंग की छाल के साथ कॉर्क ब्राउन वायु छिद्रों की अनुदैर्ध्य पंक्तियों के साथ चिन्हित होते हैं। इस प्रजाति में सतही जड़ें होती हैं जो कम ज्वार पर हवा के संपर्क में आने पर ऑक्सीजन को ग्रहण करने की अनुमति देती है। पत्तियां हल्के हरे रंग से पीले रंग की होती हैं और इनकी लंबाई 5 से 11 सेंटीमीटर और चौड़ाई 2 से 4 सेंटीमीटर तक होती हैं। पत्तियां मूल रूप से अंडाकार होती हैं, एक नुकीले सिरे के साथ आधार पर गोल और अक्सर किनारों पर बारीक दांतेदार और तने पर बारी बारी से जुड़ी होती हैं। इस मैंग्रोव की प्रमुख विशेषता दूधिया रस है जो शाखाओं से निकलता है। रस जहरीला होता है और आंखों से संपर्क करने पर त्वचा में गंभीर जलन और अस्थायी अंधापन हो सकता है। ओलिंडर या कनेर ट्री। इसका फूल बहुत ही मशहूर है। कनेर की पेड़ की ऊंचाई लगभग 10 से 11 हाथ से ज़्यादा बड़े नहीं होते हैं। पत्ते लंबाई में 4 से 6 इंच और चौड़ाई में 1 इंच, सिरे से नोकदार, नीचे से खुरदरे, सफ़ेद घाटीदार और ऊपर से चिकने होते हैं। कनेर के पेड़ वन और उपवन में आसानी से मिल जाते हैं। फूल खासकर गर्मियों के मौसम में ही खिलते हैं। कलियां चपटी, गोलाकार, 5 इंच से 6 इंच लंबी होती हैं जो बहुत ही जहरीली होती हैं। फूलों और जड़ों में भी जहर होता है। कनेर की 4 जातियां होती है, सफ़ेद, लाल व गुलाबी और पीला। सफ़ेद कनेर औषधि के उपयोग में बहुत आता है। कनेर के पेड़ को कुरेदने या तोड़ने से दूध निकलता है और ये बहुत ही ज़्यादा खतरनाक होता है। गाइस, हमने इस वीडियो में जिन पेड़ों के बारे में बताया है वो बहुत ही खतरनाक हैं, उनसे इंसान की मौत भी जा सकती है। ऐसे ही और अमेजिंग वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।